हे गाइस, कैसे हैं सभी लोग? वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं स्कूटी की सर्विस कराने, तो आवाज़ सी आ रही है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको ना। हमने स्विच नीचे कर दिया, हो जा स्टार्ट। यहाँ से गाइस कोई आवाज़ आ रही है, बड़ी गंदी लग रही है। इस टाइम देख देते हैं ना, जगह दिखाता हूँ, देख लो। अभी चलते हैं वहाँ पे, अभी चलते हैं सर्विस सेंटर इसके TVS के, तो वहाँ जाके देखते हैं क्या कहते हैं वो। चलो गाइस, पहुँच गए हम लोग यहाँ पे सर्विस, जो सर्विस स्टेशन है TVS का, वर्कशॉप ये पीछे है। तो ये यहाँ का सर्विस सेंटर है, ये सारी बाइक्स खड़ी हैं यहाँ पे सर्विस आने के लिए। भी मैंने बोला तो यहाँ को चेक करते हैं अभी। भाई वो देखो, छोटा सा बच्चा भी स्कूल ड्राइवर बड़े प्रो लेवल से पकड़ा हुआ है, सच में स्कूटी खोल देगा स्कूटी वो। मैकेनिक भी पहले वॉश करेंगे, उसके बाद सर्विस करेंगे। गाइस ये वॉश हो चुकी है अभी, तो अभी इसके बाद इसकी होगी सर्विस, सर्विसिंग करेंगे अंदर जाके। नीचे वर्कशॉप नीचे ले रहेंगे अभी, इनके पहले इनकी होगी, फिर इसके बाद मेरी होगी, उसके बाद उसकी होगी, बाद में होगी। तो गाइस मैं अभी सर स्कूटी के बाद सर्विस सेंटर गया था, तो आपने देखा पहले, तो एक्चुअली वो क्या हुआ, वो बोलते कि हाँ आपको स्कूटी छोड़नी पड़ेगी यहीं पर। तो मैं छोड़ तो सकता नहीं स्कूटी वहाँ पे, क्योंकि मेरे को चाहिए होती है स्कूटी मेरी, तो फिर मैं साथ ही ले आया। वो बोलते मंडे को आना या ट्यूसडे को आना, क्योंकि पूरा दिन लगेगा उसके। एक्चुअली जो आवाज़ आ रही है ना, उसके फ़ैन में कोई स्क्रू वगैरह ढीला हो गया, उसमें से आ रही है आवाज़, तो वो कह रहे पूरा दिन लग जाएगा उसको ठीक करने में। तो अभी देखते हैं मंडे को या फिर ट्यूसडे को चलते हैं सर्विस करवाने, सर्विस भी कराएंगे और उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करवा लेंगे। ये अभी अभी स्कूल से आया आ रहे हैं, तो हम लोग पता करवा लेते हैं। तो गाइस थोड़ी सी आपको क्लिप दिखा सकते हैं हम, तो अभी हम आ गए यहाँ बस स्टैंड पे, सामने शॉप है वहाँ पे, तो वहाँ जाके पतंग लेंगे। सड़क क्रॉस करनी पड़ेगी फिर आगे जाके ना, यहाँ से नहीं करनी सड़क क्रॉस, भाई मर जाएंगे बेफालतू में। कागज वाले दे दो, कागज वाले पांच जाले दे दो, चार काट दो, 20 के ले लेते हैं ना, बहुत है। देखो गाइस यहाँ पतंगे पतंगे हैं, बहुत तक पतंगे टंगे हैं, रियल जूस भी है यहाँ। सिद्धू मूसे वाला गाइस, ये शॉप है बस स्टैंड के सामने, बिल्कुल राजा सिनेमा के सामने, डोर नहीं डोर तो है। तो अभी उस्ताद जी ने पतंग ले लिया यहाँ से, तो अभी निकल रहे हैं वापस घर के लिए। गाइस अभी हम जा रहे हैं घर वापस, तो ये देखो सामने पानी है, पानी भाई। ऐसे तो भाई स्कूटी पे सबसे बेस्ट लगता है स्कूटी पे राइड करना, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, बट ये रात को ज़्यादा ठंड होती है, राइड नहीं हो पाता। हम पहुंच गए घर अपने, तो गाइस ठीक है भाई, गाइस ये लिया है फ्री फायर वाली काइट, अभी हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे फ्री फायर की, पतंग उड़ा के एडवर्टाइजमेंट करेगा ये फ्री फायर की। और देखो वाह भाई, मैचिंग हो गई, जैसे कपड़े वैसे पतंग। गाइस सॉरी, तो हम लेके आए गाइस, तो ये है व्यू यहाँ का, वो सामने ISBT बस स्टैंड,
लोग कितना पास है यहाँ से। गाइस इसने पतंग उड़ा दी, लोग कहाँ तक पहुँचा दिया इसने। भाई साहब बिना हवा के पतंग उड़ाई, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा। कहाँ गई चोरी, थोड़ी बहुत है हवा नहीं तो। नीचे ले आया, मेरे को पकड़नी पड़ी लगता है अब इससे। भाई पतंग नहीं उड़ रहा है, इसको मैं ऊपर करके देता जाता हूँ फिर नीचे उतार देता है। ये देख लो कैसे खींच रहा है, खींच मत मार, उसको बोल रहा हूँ खींच मत मारना, टुणका मार यार। चलो भाई चल ले होगी, अब तो बैठ गया आराम से, गई पतंग काम से। इस बच्चे ने ना पतंग हाथ में ही छोड़ दिया, अब डोर लपेटने में लगा हुआ है। हाथ से पतंग छोड़ दिया, डोर तोड़ दी, अब ये और पतंग उड़ाएगा। देखना गाइस ये बाइक को क्या कर रहा है बेवकूफ। चप्पल डाल ले फिर करियो स्टार्ट, तेरे से होगी नहीं। देखो भाई क्या डाल रहे है, कौन चप्पल डाल रहे है। आ गया भाई, इसके पैर तो लगते नहीं भाई। देखा चप्पल, देखो भाई इसकी चप्पल। गाइस अभी हम आगे पतंग उड़ा के, भाई आर्म में पेन हो गई बहुत ज़्यादा। ये उस्ताद जो मज़े ही कर रहे थे, बाइक पे ही मज़े किए इसने और पतंग में ही मज़े लिए, उड़ा उड़ा कर देता रहा मैं ऊपर और ये नीचे उतारते रहे पतंग को। तो चलो गाइस आज की वीडियो ब्लॉग में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो गुड बाय।